हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमितेश व्लॉग। आज मैं आपको अपनी व्लॉग में हैदराबाद लेके चलने वाला हूँ। मैं रायपुर बस स्टॉप पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे लॉकडाउन का माहौल है और आज गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। हमारी बस आ चुकी है और कांकेर ट्रेवल की बस है जो हमें यहाँ से हैदराबाद लेके जाएगी। तो गाइस, बस में आके बैठ चुका हूँ। बस कुछ ही देर में निकलने वाली है हैदराबाद के लिए। मैं आगे आगे आपको सभी स्टेशन पर आएंगे खाकर होकर साथ में देखने के लिए स्टैंड भी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बस अब चल चुका है और हम जयपुर से बाहर निकलने वाले हैं और हैदराबाद के लिए बस निकल चुकी है। कुछ ही देर में रायपुर क्रॉस कर चुके होंगे। सो गाइस, रात के 11:30 बज रहे हैं और हम पहुंचे हैं श्री आनंद सागर ढाबा। यहां पे हम नाइट का डिनर करने वाले हैं और यहां पे हैदराबाद जाने वाली, नागपुर जाने वाली बसेस खड़ी हैं, जैसे कि मनोज ट्रैवल की हैं, कांकेर ट्रैवल की, महिंद्रा ट्रैवल की। और यहां पे भीड़ भी अच्छी खासी है बसेस से, आप लोग देख सकते हैं। ये है ढाबा का फ्रंट और ये बसेस जो खड़ी हुई हैं। और अब हम यहाँ से डिनर करके निकलने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम अभी NH44 में इंटर कर चुके हैं जो कि नागपुर से हैदराबाद तक लेकर चलती है हमें। रास्ते भी इसके बड़े अच्छे हैं और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे। सो गाइस, हम हैदराबाद पहुंचने वाले हैं। यहां से 50 किलोमीटर्स में हैदराबाद आने ही वाला है। हैदराबाद का जो फर्स्ट स्टॉप है कोमपल्ली, हम कोमपल्ली पहुंचने ही वाले हैं और यहां से हमारा हैदराबाद स्टार्ट होता है। फाइनली हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये LNT की मेट्रो ट्रैक है और जिस जगह पे हम उतरे हैं इसे पैराडाइज के नाम से जाना जाता है। अभी हम यहां से पहले फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद हम चार मीनार की ओर जाएंगे और मैं देखता हूं कि अगर चार मीनार हम मेट्रो से ही जा सके तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे लोकल व्हीकल लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। आप ओला कैब भी बुक कर सकते हैं, ओला कैब बेटर है। उससे अगर आपको मेट्रो का नॉलेज है तो आप मेट्रो में भी सफ़र कर सकते हैं। हेलो, हम पैराडाइज पहुंच चुके हैं और पैराडाइज से हम मेट्रो से सफ़र करने वाले हैं। हम मेट्रो स्टेशन के अंदर इंटर कर रहे हैं। हेलो गाइस, हम मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं पैराडाइज में और ये मेरी टिकट है मेट्रो की। और मुझे यहाँ से परेड ग्राउंड जाना है। परेड ग्राउंड से हम अभी हम पहुँचे हैं परेड ग्राउंड मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हमने ट्रैक चेंज करना है। ट्रैक चेंज करने के बाद हम जाएंगे MS बस। Thank you.
सिकंदराबाद वेस्ट। यहाँ पे कितनी चीज़ें दिखती हैं, बिल्डिंग बहुत बहुत, यहाँ पे पेड़ पौधे देखने को काम मिलते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग एमजी बस स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहां पे मेट्रो रुकने वाली है। यहां से हम ओला कैब बुक करेंगे और ओला कैब बुक करने के बाद हम चार मीनार जाएंगे। अभी हम हैं एमजी बस स्टेशन में और यहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, ब्रेकफास्ट करने के हैं। हाँ ठीक है, ब्रेकफास्ट में है सांभर वड़ा और इडली है, तो हम इसे टेस्ट करेंगे कि कैसा है इसका टेस्ट हैदराबाद में। तो फाइनली हम चार मीनार पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये चार मीनार का एंट्रेंस गेट है और उसके पीछे है चार मीनार की जो बिल्डिंग। अभी हम चारों साइड से ये इसका व्यू सेम है। तो ये था चार मीनार। अब हम यहाँ से हुसैन सागर की तरफ निकलेंगे और यहाँ से हुसैन सागर समथिंग 12 किलोमीटर है। अब हम लोग चार मीनार से हुसैन सागर की तरफ जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हुसैन सागर का तालाब है, यहाँ पे अभी लॉकडाउन में मार्च के बाद बहुत गंदगी हुआ करती थी, जिसकी साफ सफाई अभी चालू है। और वैसे ये पार्क अभी पूरी तरीके से नहीं खुला हुआ है, इसके जो मेन मेन स्पॉट्स हैं जो बोटिंग वगैरह है और अंदर में जो इनके पार्क वगैरह हैं वो सब अभी ओपन नहीं हुए हैं। तो हम बुद्धा स्पॉट पर जा रहे हैं अभी और यहाँ पे एक्चुअल में फोटो वगैरह भी मिलना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है।
वजह से हम अभी पैदल ही चल रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं मैरलॉट वगैरह होटल वगैरह हैं। मुझे अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करना पड़ रहा है क्योंकि लॉकडाउन के बाद यहाँ पे बहुत सारे प्लेस ओपन ना होने के कारण मैं अपनी वीडियो पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।